नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है जनवरी के 19 तारीख और जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे जो टमाटर प्लांट्स है उसमें देखिए अभी टमाटर लगना शुरू हो चुका है। दोस्तों हालांकि टमाटर प्लांट को सीडलिंग करने का सही वक्त है सितंबर के एंड पे, लेकिन उस वक्त अगर आप टमाटर प्लांट को सीडलिंग करते हो तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना चाहिए क्योंकि उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं तो सीडलिंग इस बार नहीं कर पाया था तो इसलिए मैं 15 या 20 नवंबर को मैं इसका छोटे से प्लांट लेके आया था नर्सरी से, मुझे लिया था 2 रुपया पर पीस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे टमाटर प्लांट पे अभी टमाटर लगना शुरू हो चुका है और हालांकि अभी तो टमाटर का दाम बाज़ार में बहुत ही कम है। अगर आप सितंबर में इसका सीडलिंग कर पाओ तो नवंबर के एंड पे टमाटर पकना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं बताया आप लोगों को कि मैं सीडलिंग नहीं कर पाया था किसी पर्सनल रीज़न के कारण, तो मैं इसको छोटे से प्लांट्स लेके आया था। तो अभी देखिए मेरे टमाटर प्लांट पे फूल भी आ रहे हैं और बहुत सारे टमाटर बनना शुरू भी हो चुका है, कुछ कुछ टमाटर तो बहुत साइज़ में बड़ा भी हो चुका है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर भी बहुत सारे टमाटर लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसको एक छोटे से थर्मोकॉल के डिब्बे पे लगा के रखा हूँ। इस डिब्बे के अंदर मेरे 3 टमाटर प्लांट है और इस साइड पे मेरे 1 टमाटर प्लांट है प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर, उसमें भी देखिए टमाटर आना शुरू हो चुका है। लेकिन इसका ग्रोथ प्लांट का बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग और टमाटर भी लग रहे हैं। और इसके बाद इस साइड पे भी मेरे और एक टमाटर प्लांट है और इस साइज़ का मेरे और 2 टमाटर प्लांट है अलग जगह पे। ये प्लांट और 2 प्लांट है मेरा एक साथ लगाया हुआ है। ये जो प्लांट आप देख पा रहे हो इससे 15 दिन बाद मैं उस सब प्लांट्स को लगाया था, तो इसलिए प्लांट्स थोड़ा सा छोटा है अभी। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि मैं इसमें 3 प्लांट्स लगा के रखा हूँ और तीनों प्लांट्स पे ही अभी टमाटर लगना शुरू हो चुका है और प्लांट्स का ग्रोथ भी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों टमाटर प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सनलाइट और वाटरिंग। सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और वाटरिंग इसको बहुत ही कम चाहिए होता है। आप फुल सनलाइट पे टमाटर प्लांट को रखें विंटर सीजन के दौरान, और विंटर सीजन में इसको पानी बहुत ही कम दिया कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे टमाटर प्लांट अभी थोड़ा सा मुरझा हुआ है क्योंकि मैं इसको लास्ट 3 दिन से वाटरिंग नहीं किया हूँ, अभी जस्ट मैं इसको वाटरिंग किया हूँ, तो इसको ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में। दोस्तों मैं इस प्लांट को इस जो थर्मोकॉल के डिब्बे पर लगा के रखा हूँ, मैं इस पर जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया हूँ उस पर 90% है पत्ते की खाद और 10% मिट्टी है। इसके अलावा मैं और किसी प्रकार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया हूँ और मैं इसको रेगुलर मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अभी तक यूज़ नहीं किया हूँ जो मैं सभी प्लांट्स पे यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सिर्फ पत्ते की खाद के अंदर प्लांट्स का ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छा है। इस प्लांट को और इस जो कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है इस प्लांट को मैं एक ही साथ लगाया था, देख सकते हैं आप इसका दोनों का डिफरेंस। ये जो प्लांट्स है इसका ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छा है सिर्फ खाद के अंदर, सिर्फ पत्ते की खाद के अंदर लगा हुआ है, और ये जो प्लांट्स है ये मिट्टी सैंड के अंदर लगा हुआ है। तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने है, जो मिट्टी में लगा हुआ है उसका भी ग्रोथ अच्छा ही है लेकिन पत्ते वाले खाद के अंदर जो प्लांट्स लगा हुआ है उसके खाद और भी ज़्यादा है, और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो दोस्तों मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट के रूप में मैं इसको पत्ते की खाद के अंदर लगाया था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे सक्सेसफुली ये प्लांट्स मेरे ग्रो कर रहे हैं पत्ते की खाद के अंदर। तो आप अगर तो आपके पास अगर पत्ते की खाद हो या फिर आप बना सकते हो आपके गार्डन में जो पत्ता गिरा रहता है उसको एक जगह पे आप रख के उसके साथ थोड़ा सा मिट्टी आप ऐड करके रख दीजिए, 2-3 महीने के अंदर पत्ते की खाद आपका रेडी हो जाएगा, तो उस पर आप ये टमाटर प्लांट लगा सकते हो जिसमें रिजल्ट्स आपके सामने आपको दिख रहा है। दोस्तों आप बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को बताया कि मैं इसमें 3 दिन बाद अभी वाटरिंग किया हूं, तो इसलिए आपको समझ में शायद आ गया होगा कि इसको वाटरिंग बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं 3 दिन या 4 दिन के बाद इसमें वाटरिंग करता हूँ ठंड के मौसम पे। अगर आप समर सीज़न में टमाटर प्लांट को लगाते हो तो इसको शेडी एरिया में लगाना पड़ेगा, हाफ शेडी एरिया पे, जहाँ पे दिन भर के 1 या 2 घंटे ही सूरज की तेज धूप मिलता हो ऐसे जगह पे इसको लगाना पड़ेगा, और उस टाइम पे आप 1 या 2 दिन के अंतराल पे भी वाटरिंग कर सकते हो।
दोस्तों आप बात करते हैं प्रूनिंग के बारे में। बहुत सारे चैनल्स पे आपको सुनने को मिलेगा या फिर देखने को मिलेगा कि प्रून करने के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें मैं प्रून नहीं किया हूं और मेरे प्लांट्स का ग्रोथ देखिए अच्छे से हो रहा है और नए नए से स्टेम भी निकल रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रहा है, तो इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हालांकि टमाटर प्लांट का पकने का जो सीज़न है वो है दिसंबर के शुरू में ही ये पकना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़े से लेट में मैं इसका पॉटिंग किया था तो मेरे जो टमाटर लगा हुआ है वो अभी भी पका नहीं है। तो दोस्तों अगर आप अपने गार्डन में टमाटर प्लांट लगाना चाहते हो तो सितंबर के एंड पे आप सीडलिंग कर सकते हो, या फिर आप अगर छोटे से प्लांट लगाना चाहते हो नर्सरी से ले आकर तो आप नवंबर के शुरू पे ही आप छोटे से प्लांट को लगा दीजिए, पॉटिंग कर दीजिए, तो दिसंबर के एंड से आपको टमाटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था टमाटर प्लांट के ऊपर मेरा सा एक छोटा सा वीडियो, ये एक मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था विथ केयरिंग टिप्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हो, उसका आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्लांट्स के ऊपर मैं वीडियोस लेके आता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।